छत्तीसगढ़ में दो चरणों में यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो रही है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन दाखिले के यहां पर भी शुरुआत की जाएगी। इसी चरण में प्रदेश के 8 जिलों की 18 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने यहाँ पर बताया कि पहले चरण में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 12 विधानसभा सीटों और साथ ही राजनांदगांव के 6 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी और पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक तैयारियां यहां पर की गई हैं। 18 विधानसभा सीटों के लिए 31 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो पहले चरण में 8 जिलों की 18 विधानसभा पर यहां पर चुनाव होगा। प्रथम चरण में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 12 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। राजनांदगांव जिले के यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और 23 अक्टूबर को नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है और साथ ही 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 26 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। और प्रथम चरण में बस्तर संभाग के सुकमा जिले के यहां पर सुकमा विधानसभा सीट, बीजापुर जिले के बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा, बस्तर जिले के चित्रकूट बस्तर और साथ ही जगदलपुर, नारायणपुर जिले के नारायणपुर और गोंडागांव जिले के केशकाल और साथ ही गोंडागांव, कांकेर जिले के यहां पर अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर और साथ ही राजनांदगांव जिले के यहां पर खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी आदि यहां पर जो है विधानसभा में चुनाव होना है।